आज तारीख हो चुकी है 28 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आई। इस वीडियो में आपको सभी 8 खबरों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ऐप माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके अंदर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया है। साथ ही में दोस्तों, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, जिसके अंदर आप बड़े बड़े चैंपियंस लाइक राशिद खान के साथ भी खेल सकते हो। और हाल ही के अंदर इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के अंदर अगर आप राशिद खान की टीम को बीट करते हो, हराते हो, तो आपको आपकी प्राइस मनी का 3 गुना ज्यादा मिले, जो कि आपके सीधे अकाउंट में चला जाएगा, जो कि पूरी तरह से सिक्योर है। और यहाँ काफी लोगों ने यहाँ खेल खेल के काफी अच्छी प्राइस मनी जीती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए। साथ ही आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का बोनस भी मिल जाएगा। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब अगर हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल 2021 के सीजन के वेन्यूज को लेकर। दरअसल अब आईपीएल शुरू होने में लगभग 1 महीने 35-40 दिन का समय बचा है, इसी वजह से अब बीसीसीआई ने यहाँ पर उन वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है, जिन पर बीसीसीआई आईपीएल कराने की प्लानिंग कर रहा है। जहाँ पर बीसीसीआई ऑलरेडी कन्फर्म कर चुका है, इस साल जितने भी क्वालिफायर मैचेस होंगे, यानी जितने भी प्लेऑफ्स के मुकाबले होंगे, अगर हम बात करें क्वालिफायर 1 की, बात करें क्वालिफायर 2 की, बात करें एलिमिनेटर मुकाबले की, बात करें आईपीएल फाइनल की, तो वो सभी मुकाबले अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके अलावा लीग मैचेस को लेकर बीसीसीआई ने 4 वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया। अगर हम बात करें उन 4 वेन्यूज की, तो इनमें नाम आता है कोलकाता का, नाम आता है दिल्ली का, नाम आता है बेंगलोर का और नाम आता है चेन्नई का। दरअसल मार्च के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जो बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि आखिर इन 4 वेन्यूज में से कौन से 3 वेन्यूज पर बीसीसीआई यहाँ पर लीग मैचेस कराएगा। तो कुल मिलाकर प्लेऑफ्स के मैचेस तो हमें अहमदाबाद में देखने को मिलेंगे, लेकिन लीग मैचेस यहाँ पर इन 4 वेन्यूज में से किसी 3 वेन्यूज पर अब बीसीसीआई यहाँ पर कराने का फैसला लेगा। कुल मिलाकर अब मार्च के महीने में हमें आईपीएल पर बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है सीएसके की तरफ से। दरअसल सीएसके की टीम की तरफ से अब यहाँ पर इनके फैंस के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल कर रही है, क्योंकि कल सीएसके की टीम ने यहाँ पर आईपीएल 2021 के सीजन को लेकर, अपने प्रैक्टिस कैंप को लेकर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा हिंट दे दिया है। अगर हम बात करें उस अपडेट की, तो सीएसके की टीम ने कन्फर्म कर दिया कि आईपीएल 2021 के सीजन के लिए सबसे पहले सीएसके की टीम चेन्नई में अपना प्रैक्टिस कैंप शुरू करेगी, और यहाँ पर मार्च की शुरुआत में ही ये टीम अपना प्रैक्टिस कैंप शुरू करेगी। इसके साथ ही खुद एमएस धोनी और सुरेश रैना यहाँ पर प्रैक्टिस कैंप का भाग होंगे। इसके अलावा कुछ विदेशी प्लेयर भी यहाँ पर प्रैक्टिस कैंप के लिए यहाँ पर चेन्नई पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर पिछले साल के खराब प्रदर्शन के बाद अब सीएसके की टीम ने इस साल के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिस कैंप लगाने का फैसला लिया है। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप प्रैक्टिस कैंप को लेकर, आईपीएल को लेकर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है बीसीसीआई की मीटिंग को लेकर। दरअसल बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है, मार्च की या तो पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह में बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट कराएगा, और यहाँ पर इस मीटिंग में कौन कौन से बीसीसीआई फैसले लेगा, उस पर यहाँ पर स्पष्टीकरण मिल चुका है। दरअसल बीसीसीआई यहाँ पर कुल 3 बड़े फैसले इस मीटिंग में लेगा। अगर हम बात करें उन 3 फैसलों की, तो जो सबसे पहला बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आईपीएल की वेन्यूज को लेकर। यहाँ पर बीसीसीआई इस मीटिंग में जो सबसे पहला बड़ा फैसला लेगा, वो ये लेगा कि आखिर कौन कौन से वेन्यूज पर इस बार आईपीएल का सीजन कराया जाए। इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आईपीएल की स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल इस मीटिंग में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आखिर कौन सी तारीख से आईपीएल की शुरुआत होगी, कितनी बजे से मैचेस होंगे, क्या आईपीएल का यहाँ पर स्पष्टीकरण रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा
दूसरा बड़ा फैसला लिया जाएगा वो लिया जाएगा आईपीएल 2021 के सीजन के कंप्लीट शेड्यूल को लेकर। दरअसल इस मीटिंग में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से आईपीएल का शेड्यूल रहेगा, क्या क्या किस टीमों के कब मैचेस होंगे, इन सभी पर भी स्पष्टीकरण इस मीटिंग में हमें मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आप इस मीटिंग को लेकर आईपीएल को लेकर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। इसके बाद जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम ने अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस के बाद केकेआर की टीम दूसरी टीम बन चुकी है जिन्होंने अपनी वेब सीरीज लॉन्च कर दी है। हमने देखा था कि 2018 में एमआई की टीम ने यहाँ पर ग्लोबली अपनी वेब सीरीज लॉन्च करी थी, अब केकेआर की टीम ने भी ग्लोबली अपनी वेब सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर दी है। दरअसल केकेआर की टीम ने इस वेब सीरीज में आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर सारी डिटेल्स बताई है, आखिर किस तरीके से कोविड-19 के टेस्ट हुए थे, किस तरीके से इस टीम के प्रैक्टिस कैंप लगे थे, किस तरीके से मैचेस हुए थे, कुल मिलाकर सारी डिटेल्स इस वेब सीरीज में आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड अपलोड कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड देख सकते हो। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन सी टीमों को आखिर अपनी वेब सीरीज लॉन्च करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर। दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब चौथा टेस्ट मुकाबला हमें 4 मार्च से यहाँ पर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलेगा और टीम इंडिया के लिए मुकाबला ड्रॉ करना या फिर जीतना अहम बन चुका है। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला ड्रॉ करती है तो टीम इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी और अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतती है तो इजीली क्वालिफाई हो जाएगी। कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए या तो ये मुकाबला जीतना होगा या फिर ड्रॉ करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर इस सीरीज को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उसके अकॉर्डिंग जो पुणे में वनडे सीरीज होने वाली थी वो वनडे सीरीज यहाँ पर पुणे से बाहर नहीं ले जाई जाएगी, लेकिन वहां पर क्राउड को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी पुणे में होने वाले यहाँ पर तीनों वनडे मुकाबलों में हमें कोई भी क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो 4 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले को आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर खेल सकते हो। हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई 11 सर्किल की लिंक दे रखी है, अगर उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो हमारी तरफ से आपको 1500 रुपये का यहाँ पर फ्री में बोनस मिल जाएगा और उसी 1500 रुपये को ऐड करके आप टीम बनाकर हो सकता है आप 1 करोड़ जीत जाओ, हो सकता है 50 लाख जीत जाओ। यहाँ पर हर सप्ते कोई ना कोई 1 करोड़ रुपये जीत जाता है, इसी वजह से आपके पास भी मौका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यहाँ पर माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके फ्री में 1500 रुपये का बोनस लेकर उसी से टीम बनाकर आप घर बैठे 1 करोड़ जीत सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अभी डाउनलोड करें और घर बैठे कमाए हजारों लाखों रुपए। इसके बाद जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम के सीईओ ने कल ये स्पष्ट कर दिया है क्या कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने क्यों क्रिस मॉरिस पर ऑक्शन में इतने पैसे खर्च किए थे, आखिर क्यों 16.25 करोड़ की प्राइसिंग में इस टीम ने इस ऑलराउंडर को परचेज किया था। जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के सीईओ ने यह बताया है कि इस टीम को यहां पर एक ऑलराउंडर की तलाश थी क्योंकि इस टीम के पास जोफ्रा आर्चर को छोड़कर कोई भी डेथ बॉलर नहीं है, इसके साथ ही इस टीम के पास कोई भी अच्छा क्वालिटी का फिनिशर नहीं है, इसी वजह से इस टीम के पास अच्छा खासा पर्स बैलेंस बचा था, इसी वजह से इस टीम ने क्रिस मॉरिस को उस पर्स बैलेंस में यहां पर ऑप्शन में परचेज किया है। और इनके सीईओ के अकॉर्डिंग अब इस टीम की यहां पर सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, इस टीम को आर्चर के साथ एक क्वालिटी तेज गेंदबाज मिल चुका है जो कि शुरू में भी गेंदबाजी कर सकता है, डेप्थ में भी गेंदबाजी कर सकता है और क्रिस मॉरिस के रूप में एक फिनिशर भी मिल चुका है जो कि लास्ट के 2-3 ओवर में आकर अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग राजस्थान रॉयल्स की टीम का आखिर 16 से भी अधिक करोड़ में क्रिस मॉरिस को खरीदने वाला सही फैसला था या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी ने अब आईपीएल 2021 के सीजन के प्रैक्टिस कैंप से पहले यहाँ पर रांची के देवरी टेम्पल में जाकर यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और रिपोर्ट ऐसी है कि एमएस धोनी जब भी कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं
या फिर जब भी कोई मैचेस होते हैं उससे पहले इस टेम्पल में जाकर दर्शन जरूर करते हैं। और अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में इस टीम का प्रैक्टिस कैंप लगेगा, इसी वजह से प्रैक्टिस कैंप से पहले आईपीएल 2021 के सीजन से पहले एमएस धोनी ने यहाँ पर देवरी टेम्पल में जाकर दर्शन करके यहाँ पर इस सीजन का शुभारंभ कर दिया है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमएस धोनी का और सीएसके की टीम का आखिर कैसा प्रदर्शन इस आईपीएल सीजन में रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एशिया कप को लेकर। दरअसल जून के महीने में इस साल एशिया कप होगा जिसमें एशिया की 5 टीमें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अब हो सकता है कि टीम इंडिया के बिना इस साल का एशिया कप हमें देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि इस साल का एशिया कप भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो 4 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा, अगर टीम इंडिया वो मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया ऑफिशियली यहाँ पर एशिया कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 18 जून को होने वाले यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टीम इंडिया भाग होगी। इसी वजह से एशिया कप का टीम इंडिया भाग नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 मार्च को ये पता चल जाएगा कि आखिर इस साल के एशिया कप का टीम इंडिया भाग होगी या फिर नहीं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीम इंडिया को एशिया कप खेलना चाहिए या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।